जिंदाबाद, शहीद गुलाब का जिंदाबाद, पंजाब का पुत्र जिंदाबाद, पंजाब की जिंदाबाद, पंजाब हरियाणा जिंदाबाद। किसान मोर्चा के सारे साथियों को पत्रिका के द्वार से क्रांतिकारी अभिवादन। साथियों, छत्तीस दिन से ये संघर्ष जो है आपको के साथ लड़ रहा है और इस संघर्ष के साथ देते हुए पूरा देश में कन्याकुमारी से लेके पंजाब तक, महाराष्ट्र से लेके मणिपुर तक पूरा किसान भाई और उनके संस्थान करते हुए मजदूर साथियों, विद्यार्थी, युवक, महिला, उत्पीड़ित जनता सब ये संघर्ष को समर्थन करते हुए करोड़ों करोड़ों की जनता समर्थन करते हुए आगे बढ़ा हुआ है। हमारे देश की सरकार उनकी जिम्मेदारी है, ये जनता का आवाज सुनने के बाद अपना कानून को वापस करना है। आप सबको मालूम है, कई साथी बार बोल चुका है, अभी हमारे देश में जो कोरोना का काम है, ये कोरोना का काम को इस्तेमाल करते हुए चोरी से कानून बनाया, ये कानून बनाया चोरी से, किसानों को पूछा नहीं, उनका मोर्चा को पूछा नहीं, किसी का साथ चर्चा नहीं करते हुए चोरी से जल्दीबाजी से कानून बना करके किसका फायदा के लिए, अंबानी अदानी जैसे कॉर्पोरेट ताकतों के लिए। अभी अंबानी अदानी जैसे कॉर्पोरेट ताकतों को खेती का क्षेत्र का कब्जा देने से हमारे देश में क्या होंगे, हमारे देश में पूरा किसान भाइयों को जो लड़ाई अभी जो मिल रहा है, ज्यादा मिलना चाहिए वो नहीं दे रहा है, जो अभी जो मिल रहा है उसको भी कटौती करने के लिए खत्म करने के लिए किया जाता है। साथ साथ अगर खेती का कॉपरेटिव होगा, सरकार काम को ये इकट्ठा करने का जो दिया से पीछे हट जाता है, एफसीआई गवर्नमेंट का पानी हो गया, पूरा एफसीआई कॉपरेटिव खत्म हो जाएगा। और साथ साथ हमारे देश में अकाल वापस आएगी, राशन दुकान से बंद हो जाएगा, राशन दुकान से जो खान रहता है वो बंद हो जाएगा, और जिसके उद्देश्य से काम शुरू किया था वो काम शुरू कम है। आपको मालूम है जब हमारे देश में ब्रिटिश काल में अकाल होते थे कितने लोग मर जाते थे, अब किसानों का फायदा के लिए और अकाल को दूर करने के लिए ये खेती का क्षेत्र में ये सब परिवर्तन लाया था। अभी मोदी सरकार फांसीवादी तरीका से किसानों को पूछने के बिना, उनके मोर्चा के साथ चर्चा करने के बिना ऐसा कानून बनाया है जिसमें ये पूरा प्रयास जो है खत्म हो जाएगा और देश में अकाल वापस आएंगे। किसान भाई अभी भी 3.5 लाख किसान आत्महत्या कर चुका है और किसानों को समस्या और खराब हो जाएगा, इसी सुबह होना चाहिए, ये काला कानून वापस लेना चाहिए और इसके लिए जो लड़ाई है ये लड़ाई के साथ पूरा देश का जनता है, हमारा पत्रिका इसके लिए निरंतर लिखते हैं, हम लोग जो है पूरा देश में अपना संदेश किसानों का आवाज बुलंद करने के लिए हम प्रयास करते थे, हम लोग सब मिलकर के लड़ेंगे, हम फांसीवादी ये ताकत को आगे बढ़ने नहीं देंगे, मोदी को हम पीछे हटाएंगे, मोदी को हम अगर ये काला कानून वापस नहीं करेंगे, मोदी को हम लोग दूर में फेंकते हुए हम आगे बढ़ेंगे, हम आपके साथ है, हम लोग सब मिलकर के आगे बढ़ेंगे। सब क्रांतिकारी मजदूर सब भाइयों को हमारा क्रांतिकारी अभिनंदन, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, भगत सिंह शहीद भगत सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
उम्मीद जमीनेगा लेकिन सरकार ने तो मांग उठाना नहीं। देखो तो अब क्या करना है, आपका कहने का मतलब है कि कितना भी परेशानी हो, कितना भी लाठी चल जाए, जेल कुछ भी हो जाए, हम जीत हासिल करके रहेंगे है ना। और तब तक यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। क्या जो आपकी सोच है यहाँ पर हर किसान की यही सोच है, यही सोच कर रहा है, ये हमारी फैमिली ये लागू हो गया किसान तो मर जाएगा, इसलिए हम उसे मरने के लिए पहले मर जाए अच्छा है। बहुत अच्छे लगा आपसे बात करके जी, ये हमारे साथी सब आए हैं कर्नाटका के आंदोलन करेंगे, हाथ हाथ हार कर चले जाएंगे। ये बताइए आज वहाँ पर ट्रैक्टर के साथ में प्रदर्शन हुआ, इसके पहले भी कई अलग अलग तरीके से प्रदर्शन हुए, आप लोग यहाँ से भी जा रहे हैं, इसका कितना प्रभाव पड़ेगा और आप लोग को क्या लगता है कि किसान कितना परेशान? देखिए सरकार को तो प्रभाव है लेकिन सरकार को ईगो है और अपने ईगो को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, इसलिए वो कानून को वापस नहीं ले रहे हैं। आप लोग यहाँ से कितने लोग जा रहे हैं? आप देख रहे हैं साथियों हमारे महिलाओं को देखकर हमारे मन में ये लड़ाई को मोदी जो किया तो किया है, आर एस एस सारे चारों तरफ बनी हुई है, कोर्ट चलाए हैं, ये आंसू की गैस चलाए हैं, लाठी चार्ज किए हैं, दमन किए हैं, लेकिन ये लाठी गोली आप सुन रहे हैं कि बोल रही हम डरने वाले नहीं है, मोदी तेरे पास इतना दम हम देखेंगे, पानी ले ली कबोले बच्ची है जंग लड़के रहेंगे, समझा के रहेंगे कि बादशाही क्या होती है, पीटा जाता है वो गोला होता है, हमने मोदी को पीटा है, मोदी हमारा गोला है, जो गोला होता है देश को रखा होता है उसको खाता नहीं है। दूसरा ये कहती है कि मोदी जो है वास्तव में देश का सेवक होना चाहिए, ये हमारा मालिक नहीं है, मालिक बन बैठा है वो हमारा मालिक नहीं है, ये किसान या अन्नदाता, किसान और मजदूरों का संघर्ष
हम देख रहे हैं, ये इतिहास लिख रहा है, ये नई इबारत लिख रहा है साथियों, आने वाले दिनों में फांसीवाद को घर में फेंक देंगे। ये हिंदुस्तान को बचाने वाला हरियाणा पंजाब पाकिस्तान के सरदारों ने बचाया, जब महाराजा दिलीप सिंह अपनी माता को संस्कार करने के लिए कलकत्ता में लेके आया तो पंजाब के सभी जवान खड़े थे, हमारा बादशाह आ रहा है, डर गए, उन्होंने महाराज दिलीप सिंह को आगे नहीं जाने दिया, कलकत्ते में संस्कार करवाया। अंग्रेजों ने ये मोदी उससे भी ज्यादा बड़ा है, अरे इसे तो हम ऐसे पोछ लेंगे जैसे चींटी का पोछ। जगदीश कौर जी का कहना है साथियों कि पंजाब ने युगों में अपनी कुर्बानी दी है, तमाम जो जुल्मी लोग हैं अंग्रेज साम्राज्यवादियों के खिलाफ, जमींदारों के खिलाफ, उन्होंने उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, तो आज जो एक नई गुलामी है, आज कॉर्पोरेट राज की जो नव उपनिवेशवादी गुलामी है, इसको भी हम उखाड़ के फेंकेंगे और हम इस देश को शहीदों के सपनों का भारत बनाएंगे। मैं जगदीश कौर जी को विश्वास दिलाता हूँ कि हम आपके साथ में है, हम आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, हम सारे देश भर के लोग, देशभक्त लोग इस पंजाब हरियाणा सारे किसान भाइयों के साथ में है साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। केरला तो आए हैं, इन्हों का नाम सुरजीतर अली, आने जिन्हें साथी मोहम्मद फायज, वो दक्षिणी भारत और केरला तो जोड़ा विशेष तौर पर शमूलियत कर रहे थे आए हैं। प्रोटेस्ट सानू इतने पहुंचा दो हफ्ते का समा हो गया और असं दो महीने की तैयारी करके आए हैं, जिना चेर तक जोड़ा यह अंदोलन चलूगा अभी तेरे नाल रहेंगे। अंदोलन की शुरुआत किसान के घोल तो की थी, पर हमने किसान घोल नहीं रह गया, लोगों का घोल बन चुका है, लोग घोल बन चुके हैं और असं अंत तक थोड़े साथ रहेंगे। असीं इत्थे आउण दा फैसला क्यों किया कि साडे देश दा प्रधानमंत्री मोदी इह झूठ बोलदा है, केरला दे विच मंडी सिस्टम नहीं है, केरला दे विच घट्टो घट्ट समर्थन मुल ते ओह खरीद नहीं हुंदी, ये सरासर झूठ है। केरला दे विच इक वधिया सिस्टम है, मंडी सिस्टम नाल वी इक वधिया प्रबंध है, जिहदे विच के घट्टो घट्ट समर्थन मुल दे बावजूद भी फसलां दे जिहड़ा वधिया रेट मिलदे ने। And he is trying to make his massive protest as butter chop only, especially Haryana and Punjab. वो ये साबित कर भी कोशिश कर रहे हैं कि इतने सिर्फ पंजाब ते हरियाणा के लोग आ, पर असी इतने केरला तो इतने आके आपके जिहड़े सूबे की शमूलियत वो वी आर हियर टू शो प्रेजेंस ऑफ केरला, प्रेजेंस ऑफ साउथ इंडिया, इट्स नॉट अबाउट स्टेट, इट्स अबाउट पीपल प्रोटेस्ट अगेंस्ट द फासिस्ट रिजिम। ये किसी एक सूबे का या किसी विशेष लुकाई का घोल नहीं, ये समुचे लोगों का, सारे सूबे का, पूरे भारत का घोल है और ये घोल इस फाशीवादी हुकूमत के खिलाफ है। प्राइम मिनिस्टर रिमंबर चुन के जोड़ा उस गद्दी पर भेजा तो जोड़ा वो ये लोग गद्दी तो ला भी सकते हैं। यू कांट डिफीट अस बिकॉज़ सानू बंबा नाल बंदूकों नाल गोलियां नाल खत्म नहीं कर सकते, साड़ी गिनती इन्नी कु है असीं मारिया नहीं मुकना। We are continuing our work by remembering the plain law that if injustice become law, action become duty. So proudly we can say that we are doing our duty of a citizen.
ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਨਾਰੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲੜਨਾ ਜੂਝਣਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। Farmers,
Jindabad, 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 Jindabad,
जिंदाबाद।